2024 के लिए 2024 के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल है या नहीं? सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी 2024 का भी चेहरा और आने वाले टाइम का भी चेहरा। शहीद दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी जंतर मंतर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में पोस्टर विवाद पर हुए FIR पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। पोस्टर विवाद पर क्या बोला आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, देखें इस रिपोर्ट में। मोदी हटाओ देश बचाओ क्यों आते? ये तो देश की आवाज़ है, हर जनता की आवाज़ है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा, ये अभी BJP वालों ने भी लगाया ना कि केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। ये तो खाली दिल्ली की बात करते हैं, हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं ना मैम। केजरीवाल के लिए फिर दिल्ली अच्छी नहीं है क्या कि केजरीवाल को हटाने की बात हो रही है? केजरीवाल जी भी तो पूरी जनता पसंद कर रही है, पूरे देश की जनता पसंद कर रही है, इसीलिए मोदी जी को हटा रहे हैं ना। ये तो देखो, हर जनता के, हर देश के वासी को चाहिए के जो मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए। जब इतना भ्रष्टाचार, ये खुद अभी हमारे केजरीवाल जी बता रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर एक इनके मंत्री, एक विधायक के पास में इतना सारा कैश मिला है, उस पर FIR भी नहीं है। और एक हमारे मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं, तो उनको जेल में डाल दिया गया। राजनीति घोटाले में गए हैं, अच्छा काम कैसे? शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, तो अच्छा काम कैसे फिर? शराब नीति घोटाले में देखिए, आप खुद जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जी को ये कई बार ED वाले भी उठा कर ले गए हैं। तो केजरीवाल हटेंगे दिल्ली से या फिर मोदी हटेंगे देश से? केजरीवाल दिल्ली से हट के बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को बचाएंगे केजरीवाल। बचाएंगे देश को केजरीवाल? बचाएंगे केजरीवाल, बचाएंगे देश को कैसे? ऐसे बचाएंगे जो अडानी हमारे सारा पैसा लूट गया। जिसके दो मंत्री खुद अभी जेल में है, वो कैसे बचा सकते? हाँ, मैं बताता हूँ ना, इसलिए बचाएंगे क्योंकि ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा। आज तानाशाही हो रही है। तानाशाही पहले भी चले गए, आज भी जाएंगे। अभी हमारा कहना ये है कि हमारे दो मंत्री जेल के अंदर है, दोनों से हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं भाई, इनका कसूर क्या है, इनके खिलाफ कुछ मिला है वो कोई बताने तैयार नहीं है। अभी आपके विधायक के पास इतना पैसा मिला है, पूरे मीडिया में चला है, वो जेल के बाहर है। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है, मोदी हटने से देश बचेगा? देखिए, देश बचेगा, 100% बचेगा। मैंने आपको ये बता रहा हूँ, चाह रहा हूँ हम देश के लिए सोचें, किसी राष्ट्र के लिए सोचें, अपने राष्ट्र के लिए, ना कि एक पर्सनल लड़ाई लड़ें। अभी जो लड़ाई लड़ी जा रही, पर्सनल लड़ाई लड़ी जा रही है, पर्सनल लड़ाई ना लड़ करके देश के लिए वो अच्छा करें। दिल्ली के लिए हमारे CM साहब अच्छा कर रहे हैं, तो सबके लिए अच्छा अच्छा काम हो जाएगा ना। दिल्ली के लिए CM साहब अच्छा कर रहे हैं, फिर मनीष सिसोदिया वाली बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, मनीष सिसोदिया, शिक्षा अगर अच्छी है तो शराब नीति घोटाला कहाँ से? कोई घोटाला नहीं है, ये सिर्फ ये है कि इतने जल्दी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई और इन पार्टियों को बनने में बहुत समय लगा। क्या हमारे को हमारी आवाज उठाने का अधिकार है? हाँ। तो जब डेमोक्रेसी, आवाज उठाने का अधिकार है, तभी आपने पोस्टर लगाया और लगाएंगे, आगे भी लगेंगे। जब तक हमारे मोदी हटने से देश बच जाएगा? मैं क्या कहूँ, देश भी बचेगा और बच्चे भी स्वतंत्र होंगे। केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ क्यों चल रहा है? आप तो स्वतंत्रता खत्म कर रहे हो, स्वतंत्रता खत्म कर रहे हो ना। केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ, बौखलाए हुए हैं वो, इसीलिए कर रहे हैं वो। कुछ भी करेंगे, केजरीवाल हटाओ देश बचाओ, वो बौखलाहट में कर रहे हैं। आप तो अच्छी राजनीति करो ना। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई क्यों? जब ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, तो उनके दो मंत्री पे कार्रवाई चल रही है और वो जेल में है, तो फिर कहाँ से केजरीवाल अच्छे? अच्छा, मुझे आप ये बताओ के सबूत आने के बाद और हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कुछ मतलब है या नहीं? है मतलब, तो ये बताओ, बिना सबूत के, बिना उसमें कार्रवाई, जेल में डाल के कार्रवाई होती है? मतलब एक स्मृति रानी जी 50 रुपए सिलेंडर पर भरते ही बाहर हो जाती थी, रोड पे पता नहीं क्या खो गया, आज हमारा 1200 सिलेंडर पहुंच रहा है, कोई है जवाब देने वाला? 2024 आप मुझे बताओ, हमारा कोई जवाब है देने वाला? 2024 के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल है या नहीं? सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी 2024 का भी चेहरा और आने वाले टाइम का भी चेहरा। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है। पंजाब की बात कही आपने, अमृतपाल सुन रहे हैं अभी,
पंजाब सरकार क्या कर रही है? अमृतपाल अभी तक मिला नहीं है। देखिए पंजाब सरकार अपना पूरा काम कर रही है और जल्दी आश्वासन दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आश्वासन दे रही है और यहाँ पे आकर के बोल रहे हैं। सुनिए, आपको लग रहा है आश्वासन दे रही है? मोदी जी भी तो आश्वासन नहीं दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ या मोदी हटाओ देश बचाओ, किस किस का? आपके सामने जनता बोल रही है, आपके सामने जनता बोल रही है। जब भी अति हुई है, अति के बाद चेंज हुआ है। पहले केंद्र के अंदर कांग्रेस सरकार थी, अति हुई थी, अंत हुआ था, और अभी अंत तो अति हो रही है, फिर अंत होगा। आप हमें ये बताइए कि प्रचार के नाम से फेमस क्यों है अरविंद केजरीवाल? देखिए, जब किसी सरकार, आज की डेट में मोदी सरकार को रोकने वाली कोई सरकार नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के अलावा, तो उन्हें अरविंद केजरीवाल जी। आप मतलब कह रहे हैं कि विपक्ष कोई नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैंने क्या कहा? मोदी सरकार को आज रोकने वाली कोई सरकार है या किसी से डर लगता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी। आप ये बताओ बाकी सबके चेहरे क्यों नहीं होते सामने? आज आम आदमी पार्टी के दोनों मंत्री उठा के बंद कर दिया आपने, ठीक है? 9 महीने से आपको सबूत नहीं मिला? आप बताओ 9 महीने से कोई सबूत नहीं मिला? अरे अगर भ्रष्टाचार कर रहे होते तो लंदन टाइम्स के अंदर फोटो छपती क्या हमारे डिप्टी सीएम साहब की? उनको दर्द ये है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी की लंदन टाइम्स के अंदर फोटो छप जाती है। ऐसा बोला जाता है ना, ऐसा बोला जाता है कि शिक्षा नीति में शराब नीति घोटाला छुपा दिया गया। आप ये बताओ एलजी साहब फाइल पे साइन मारते हैं, एलजी साहब के अकॉर्डिंग सारी फाइलें साइन होती है, और आप कह रहे हो घोटाला हमने कर लिया। ये भी बोला जाता है ना कि केजरीवाल का ना उपराज्यपाल से बहुत लड़ाई होती है, आप आम आदमी पार्टी का ना उपराज्यपाल से लड़ाई, ये हमें नहीं समझ में आता कि उपराज्यपाल से लड़ाई है या नरेंद्र मोदी से है। जब उपराज्यपाल जी से लड़ाई होती है बार बार, तो आप उपराज्यपाल बार बार चेंज क्यों कर देते हो? मोदी हटाओ देश बचाओ क्यों? मोदी हटाओ देश बचाओ इसलिए है कि आज के समय में हमारा जो देश में प्रधानमंत्री बनाए थे, हमने इसलिए बनाए थे कि ताकि हमारे लिए कुछ करेंगे व्यापारियों के लिए। इन्होंने व्यापारी के लिए कर तो क्या, नोटबंदी करके जीएसटी लगा के टैक्स कर दिया गया है। पोस्टर वॉर शायद अभी तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाया था, वहीं दूसरी तरफ आज केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ बीजेपी ने ये पोस्टर लगाया था। इसी के मामले में आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर महारैली निकाली थी, जिसमें कहा गया, इसमें भगवत मान और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी शामिल थे और कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता शामिल थे। इन्होंने कहा कि हम देश को बचाएंगे और मोदी को हटाएंगे। 2024 में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा केजरीवाल होगा। देखना यह होगा कि क्या कुछ नया होगा इस बार इस पोस्टर वॉर में, कहां जाकर के पोस्टर वॉर रुकती है।